हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सना खान आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ आलू मटर पुलाव की रेसिपी। इसे बनाना तो आसान है ही और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। सिंपल सी रेसिपी है पुलाव की, जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कप राइस, एक गिलास राइस है, और जिस गिलास से मैंने इसको मेज़र किया है उसी गिलास से मैं पानी डालूँगी, तो मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। इसको मैंने सिंपली वॉश करके रख लिया है। और दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, स्लाइस कर लिया है। मटर लिए है, आलू लिए हैं दो मीडियम साइज़ के, उसको कट कर लिया है। और ये दो प्याज हैं, और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले सकते हैं या आप क्रश करके भी ले सकते हैं, मैंने क्रश करके लिया है। और मैंने दो टमाटर लिए हैं, ये जिंजर गार्लिक को मैंने क्रश कर लिया है। और तीन हरी मिर्च ली है मैंने इसमें। तो चलिए बनाते हैं इसे। प्रेशर कुकर में मैं इसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में दो टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल पुलाव में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे दो टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा और ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दो टेबल स्पून ही ले रही हूँ। आप तीन से चार टेबल स्पून ऑयल ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ी इलायची, चार मैंने लौंग लिए हैं, चार से पाँच लौंग हैं, एक बड़ी इलायची है, और हाफ टी स्पून काली मिर्च है, दो तेज़पत्ता। ये मैंने साबुत गर्म मसाले ऐड किए हैं इसमें। इन साबुत गरम मसालों को ऐड करने से हमारे पुलाव में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। जो बिरयानी और पुलाव की खुशबू होती है वो इन्हीं साबुत गरम मसालों से आती है। तो इसको कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे किया है, और उसके बाद हम यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके ऐड कर लेंगे, और इसको ब्राउन होने तक हम कुक कर लेंगे। तो इसको हम कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे, जिससे ये इवनली फ्राई हो जाएगी। तो प्याज हमारे जो है फ्राई हो गए हैं, लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए। आप चाहें तो इसी टाइम पे आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लें, चाहें तो थोड़ा सा और इसको आप फ्राई कर लें। तो मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक जो मैंने क्रश करके एक चम्मच जिंजर गार्लिक लिया है वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लें। और इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे, जिससे जिंजर गार्लिक का यानी कि लहसुन और अदरक का टेस्ट जो है, कच्चेपन का जो टेस्ट होता है वो निकल जाए और ये थोड़ा सा पक जाए। तो ये जिंजर गार्लिक भी हमारा पक चुका है। अब इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। दो मीडियम साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके ऐड कर लिए मैंने। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसमें मैं अब स्पाइसेस ऐड करूँगी, मसाले ऐड करूँगी। तो टमाटर के साथ ही मैं मसाले ऐड कर लूँगी, जिससे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी हमारा पक जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, सबसे पहले ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून, वन टीस्पून है रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर एक चम्मच, नमक आप टेस्ट के हिसाब से ले लें। और इसके अलावा हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं गरम मसाला, और इनको मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें अभी मटर ऐड कर लेंगे। आलू भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मटर के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे।
आलू को हमने काट के पानी में रख दिया है जिससे वो काले ना पड़े। पानी से निकाल के डायरेक्ट हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे आलू को। और मिक्स कर लेंगे इसे। अब आलू मटर और इन मसालों को हम कुछ देर के लिए इसी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तकरीबन एक मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे पका लेंगे जिससे मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएंगे और ये जो मटर और आलू है इनमें भी मसाले बहुत अच्छी तरह से फैल जाएंगे, इनके अंदर अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएंगे। अब इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। राइस को मैंने ऐसे ही वॉश करके और ऐड कर लिया है। इसको भिगो के नहीं रखना है, सोक करके नहीं रखना है, नहीं तो आपके राइस जो है बहुत ही सॉगी बनेंगे, बहुत गीले हो जाएंगे। तो इनको मैंने इसी तरह से वॉश करके और ऐड कर लिया है। एक गिलास राइस मैंने ऐड किए हैं इसमें और राइस को मिक्स कर लेंगे। और जितने राइस हमने ऐड किए हैं इसमें उसी गिलास से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक गिलास राइस ऐड किए हैं तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। तो चलिए इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो ये गिलास है, इससे मैंने एक गिलास राइस लिए थे, इसी गिलास से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। एक गिलास पानी और इसके बाद हाफ ग्लास पानी और ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर लेंगे। नमक भी एक बार इसमें लास्ट में चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार नमक चेक करूँगी इसमें। नमक अभी थोड़ा सा कम है तो मैं नमक एडजस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा और नमक ऐड कर लूँगी इसमें। और मिक्स कर लेंगे इसे। लास्ट में अगर आप नमक चेक कर लेते हैं तो आपका जो नमक है बहुत ही अच्छा राइस में आता है। और ये दो तीन हरी मिर्च हमने ली थी, मैं ऐड करना भूल गई हूँ तो मैं अभी इसे लास्ट में ऐड कर रही हूँ। और अब हम प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे और इसमें दो विसल आने देंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा कर लेंगे। इसकी विसल को खुद ही निकलने देंगे, इसका प्रेशर रिलीज होने देंगे और उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे राइस बन के रेडी हैं, हमारा आलू मटर पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है। और इसको एक बार चला देंगे, नीचे के राइस को एक बार ऊपर की तरफ कर देंगे जिससे वो ज़्यादा कुक ना हो। तो इस तरह से ये देखिए, तो हमारा ये आलू मटर पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। सिंपल सी रेसिपी है और ये काफ़ी हमने स्पाइसी सा बनाया है, तो आपको इसके साथ चटनी की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसके साथ चटनी वगैरह ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, सर्दियों में आलू मटर पुलाव बना के ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।